चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक के बाद एक दुर्लभ प्रजाति के जानवरों की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में पकड़े गए तस्करों के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम विभाग ने एक और तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाईलैंड से भारत में दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतुओं की तस्करी नहीं थम रही है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम विभाग ने महज एक महीने के भीतर दूसरी बार तस्करों के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार तस्कर इब्राहिम शाह के पास से कुल 13 जानवर बरामद किए गए हैं, जिनमें से 7 दुर्लभ प्रजाति के हैं। इनमें से एक एल्बिनो मेढक, 3 टैरेंटुला प्रजाति की मकड़ी, अफ्रीका में पाई जाने वाली गिलहरी और मैक्सिको में पाया जाने वाला हरा इगुआना शामिल है। कस्टम अफसरों ने इन जानवरों को रेस्क्यू किया और अब इनकी देखभाल में जुट गए हैं। इनकी देखरेख कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि सभी जानवर स्वस्थ हैं। कस्टम विभाग के कर्मचारी इनके लिए खाना और पानी का इंतजाम कर रहे हैं। अफसरों के मुताबिक सभी जब्त जानवरों को वापस बैंकॉक भेजा जाएगा। अफसरों ने उम्मीद जताई है कि जानवरों को सुरक्षित उनके ठिकानों पर छोड़ दिया जाएगा। ऐसा ही एक मामला हाल ही की 23 तारीख को भी सामने आया था। तब चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार तस्करों के पास से 21 से ज्यादा दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु मिले थे। बार बार तस्करी के मामले सामने आने के बाद वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की विंग वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो सक्रिय हो गई है। रेणुगढ़िया की रिपोर्ट, गो न्यूज़।